तो आइए देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, इंसान कैसे इंसान बना, यानी कि बंदर से लेके इंसान का सफर देखते, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज से 7 करोड़ साल पहले डायनासोर जो है पेरिश हो गए, पेरिश हो गए मतलब कमेंट करो बोर्ड गायब हो गए, यानी कि आज से 7 करोड़ साल पहले डायनासोर गायब हो गए, यानी कि इंसान जो आज इतना बुद्धिमान है वो पहले बंदर था। तो उनका सफर देखते हैं, तो अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग इवोल्यूशन हुआ और उनके बॉडी के अंदर अलग अलग इवेंट्स आए, ये इवोल्यूशन हुआ उनके बॉडी के अंदर और ये इतना टाइम लगा। चलो देखते हैं, आज से 4 करोड़ साल पहले उनका बॉडी क्या, जैसे कि लेमूर था पहला, सबसे पहले बंदर था, तो लेमूर से क्या हो गया, टेल डिसअपियर हो गया, बंदर था नॉर्मली, टेल जो है डिसअपियर हो गया, फिर ब्रेन दिमाग थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, फिर इंप्रूव इन हैंड फंक्शन, पहले 4 पैरों का इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे 2 पैरों पर आ गया, धीरे धीरे आया फटाक से नहीं, तो इंप्रूव होने लगा। तो ये कब हुआ, 4 करोड़ साल पहले। फिर उसके बाद देखो, फिर 2.5 करोड़ साल पहले, 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, हाँ, ड्रायोपीथीशियस, यानी कि इवोल्यूशन हुआ, यानी कि बंदर का इवोल्यूशन हुआ, उसका नाम है ड्रायोपीथीशियस। उस टाइम पे जो इवॉल्व हुए वो किसमें बने, गोरिल्लाज और चिंपांजीज में बने। उसके बाद 2 करोड़ साल पहले आया रामापीथीशियस, रामापीथीशियस के टाइम पे क्या हो गया था, लंबर बोन, लंबर बोन यानी कि इट इज प्रेजेंट इन योर बैक, ठीक है, जिसके वजह से आज तुम इतना सीधा चलते हो, तो लंबर बोन एकदम प्रॉपरली डेवलप हो गया और जो ऐसा बेंड थे वो थोड़े से इरेक्ट हो गए, तो इनका मतलब उनका पोस्चर एकदम प्रॉपर नहीं हुआ, धीरे धीरे प्रॉपर होने लगा। एंड हैंड वर्किंग, जो हैंड पहले चलने के लिए इस्तेमाल करते थे उससे अब लोग खाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आज से 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलियोपीथीशियस ये आया, इसने क्या पता, ये थोड़ा इंटेलिजेंट था, ये शिकार करने के लिए ना हथियार वगैरह वापरता था, हथियार यानी कि वेपन्स वगैरह यूज करने लिखा, यू कौन है, शेर, भागो, जाओ, पकड़ो, मारो, खाओ, ठीक है। उन लोग ना खाना पका के नहीं खाते थे ना, तो फायर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो लोग जाते थे, गए, ये कौन है, हिरन, पकड़ा, मारा, खा लिया उधर ही, और थोड़ा घर पे भी पार्सल लेके जाते थे ना, अकेले खाएंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आया 20 लाख साल पहले, दैट इज स्किल्ड ह्यूमन। तो स्किल्ड ह्यूमन थोड़ा सा उसके पास स्किल्स की कला थी, वो धीरे धीरे घर वर बनाने की तरफ सोचने लग गया, वो शिकार के अलग अलग तरीके लेके आया। तो उसके बाद आता है हमारा 15 लाख साल पहले, दैट इज नियंदरथल मैन, ठीक है। नियंदरथल मैन के सीन में क्या हो गया था पता है, उसका बैक जो है ना एकदम स्ट्रेट हो गया और एकदम नॉर्मली चलने लग गया, जो आज हम लोग चलते एकदम फुल सीना तान के, ठीक है। क्यों पता, उनका लंबर वन एकदम इरेक्ट हो गया और बॉडी एकदम इरेक्ट पोस्चर, यानी कि जो ऐसा था वो बॉडी ऐसा हो गया, उन लोग सीधा हो गए। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला, आज से 50,000 साल पहले, वो आया क्रोमैग्नॉन मैन, जिसको हम लोग होमो सैपियंस भी बोलते हैं। उसका ब्रेन एकदम प्रॉपरली इवॉल्व हो गया, एकदम ब्रेन एकदम तगड़ा हो गया, उसको वाइस मैन भी बोलते हैं हम लोग, इतना बुद्धिमान बन गया। आज उसके बाद देखा जाए 10,000 साल आज से 10,000 पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किया गया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यानी कि खेतीबाड़ी चालू हो गई, ये होगा ऐसा, आग वाग का सब डेवलपमेंट हो गया था। फिर उन्होंने कैटल चालू किया, कैटल यानी कि गाय बैलों को सब पालना चालू किए। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, बैलगाड़ी बनाया, फिर वो क्या बोलते हैं हाथी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, अलग अलग गाड़ी बनाते गए, धीरे धीरे डेवलप होते गए। फिर हमने देखा था केव्स के अंदर आर्ट सब बनाते गए, उन लोगों का दिमाग बढ़ते गया, फिर बढ़ते आज हम लोग इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज बना लिए। उस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज टच स्क्रीन फोन आ सकता है, आज से 10 साल पहले ही नहीं था, आज आ गया। तो इतना ह्यूमन जो है डेवलप कर गया है कि इंसान अपना दिमाग का इस्तेमाल बहुत करता है, और हो सकता है आने वाला इंसानों के अंदर एक डेवलपमेंट, एक इवोल्यूशन ये है कि उनका जो सर है वो बड़ा रहेगा। क्या बात है, हाँ, सर जो है बड़ा रहेगा, क्योंकि ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करने की वजह से ब्रेन का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट लोग का कहना है। तो यही है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे पहला स्टार्ट हुआ था एक बंदर से, जिसका नाम है लेमर्स, और एंड हुआ हमारा क्रोमैग्नॉन मैन पे, जिसको हम लोग होमो सैपियन बोलते हैं। और तब तक बंदर से इंसान बन गया था, लेकिन आजकल कुछ लोग फिर भी बंदर वाली हरकत अपने पास रखे हैं, तो छोड़ो, जाने दो उनको, क्या करें, बंदर है, बंदर वाली हरकत जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये पूरा इवोल्यूशन एकदम चार्ट आपके पास क्लियर है, कब कौन से टाइम पीरियड में कौन क्या बना वो आपके सामने ही है, एकदम प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। लिख लिया, चलो, लिख के होने के बाद देखो, हमने ये चैप्टर कवर अप कर लिया है, अभी आने वाले टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक पार्ट एकदम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। आपका एक ही काम है, हर एक वीडियो प्रॉपरली देखना है। तुम नए हो, अरे सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहीं पर मिलते हैं, बोर्ड्स के रिलेटेड सारे न्यूज़ वहीं पर है। अभी आने वाले टाइम में साइंस 1, साइंस 2 दोनों के अलग अलग चैप्टर कवर करते रहेंगे,
तुम्हें एक ही काम करना है, वीडियो देखते रहना, प्रॉपरली देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई नया मिले तो जबरदस्ती लाइक करवाओ। थैंक यू।